फोड़ के भी दिखा दूँ, ये देखिए ये देखिए, ठीक है ये देखिए, और कितनी सॉफ्ट है और कितनी क्रिस्पी है, और आपको लेग पीस भी तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखें, ये देखें, और गर्म इतनी हो रही है कि ये देखें बयान से बाहर है, ये देखें, ये देखें स्टीम हो रही है, गर्म बहुत हो रही है असल में, ये देखें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये क्रिस्पो और ये मज़ा, ठीक है। ये यूं और यूं हमने डिप किया इसमें, इस वक्त हॉट बहुत हो रही है तो चटनी का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, और ये देखें अच्छा है, ठीक है। तो अब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आ जाएं रेसिपी को फॉलो करते हैं, इसलिए कहा ये आपको, आ जाएं रेसिपी को फॉलो करते हैं। हाय एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। तो आज मैं बनाने के लिए जा रही थी केएफसी स्टाइल विंग्स। बहुत सारी मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप किस तरह से मैम बनाती हैं, आप वो बना के दिखाएं, हमें आपका बहुत अच्छा से समझ में आता है। तो बहुत सारा प्यार देने का शुक्रिया, लव यू बहुत ज़्यादा। तो आइए चलें, ये मैंने दो लेग्स ले ली हैं और 5-6 के करीब विंग्स ले ली हैं, ठीक है, ये हिसाब समझ में आया। अच्छा अब इधर आ जाइए जल्द से। 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच के करीब ही मैंने क्या लिया है, धनिया पाउडर जो होता है, ठीक है। 1 चम्मच के करीब मैं डालती हूँ गरम मसाला, ज़ाफ़रानी गरम मसाला जो मेरे हाथ का पिसा हुआ होता है, ये भी आपको बहुत जल्द सिखा दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तानी स्टाइल का है, ज़रा जिंगर कड़ाकेदार बनेगा और दमदार बनेगा और ज़रा क्रिस्पो टाइप बहुत बनेगा, तो थोड़ा सा चटखारा पाकिस्तानी अंदाज में, पंजाबी अंदाज में ज़रूरी है। तो ये है गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच ही नमक है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्ची है, 1/2 भर के करीब दही ले लिया है। सब चीज़ों को इसमें डाल देंगे और पुरसकून अंदाज में इसको मैरिनेट बना रहे हैं सिर्फ इसका, ठीक है। इसको इसमें डाला यूं करके, ठीक है, और इसमें अब क्या जाएगा, इसमें जाएगा तकरीबन 1 चम्मच के करीब क्या, लहसुन का पेस्ट, ठीक है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। 1 चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इसको मिक्स कर देना इसमें, ठीक है। लहसुन का पेस्ट जो आम होता है घरों में, आराम से बहुत मोहब्बत के साथ बनाना बता रही हूँ, नमक कम लगे तो और मिला लीजिएगा, हमारी फैमिली के हिसाब से नमक बिल्कुल सेट है, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा, ठीक है। ये चली गई और ये भी इसमें चली गई, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसानी के साथ मैरिनेट करेंगे, 2 घंटे के लिए या सुबह से शाम के लिए छोड़ देंगे, वही मेरी मिसाल रहेगी जो मैं आप लोगों को कहती हूँ, सुबह से शाम छोड़िए या 2 घंटे के लिए छोड़िए, रंग और रूप ये खुद छोड़ने पर आएगा इसको, कि आप कितना इसको अंदर समाते हैं, इसके कितना अंदर ये बैठती है इसके जाके और कितना इसको पीती है, ठीक है। ये बन गया, ठीक है, मैरिनेशन के लिए रख छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे सुबह से शाम, मुलाकात करते हैं सुबह से शाम में, ठीक है। मशीन में 2.25 लीटर के करीब तेल भरा है हमने, ताकि वो अच्छी से डीप फ्राइंग कर सके, 2.25 लीटर के करीब तेल, ठीक है। फिर रिपीट किया मैंने, यहाँ पे एक निशान होता है, इस टाइप मैंने यहाँ तक तेल भर दिया जहाँ तक इनका निशान था, तो 2.25 लीटर बना है, ठीक है। फिर रिपीट किया, अब क्या करना है, अब इसको गर्म होने के लिए रखना है, तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा अब इधर आ जाएं आप, अब इसको हम यहाँ लगाएंगे, ऑन करेंगे इसको, अब क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इसका टाइमर हम सेट करेंगे किस पर, देखें 180 डिग्री है ना, ये 180 डिग्री पर है, आप टाइमर सेट कर दें, कितनी देर के लिए, 10 मिनट के लिए इसको गर्म होने के लिए छोड़ दें, फिर मिलते हैं आपसे। और देखें नीचे लाइट जल गई है इसकी, ठीक है, ये टाइमर ऑन हो गया, ठीक है। आपने कहा था समझा के बताइएगा मैम, तो मैं समझा के बता रही हूँ, 10 मिनट के बाद जब ये बंद होता है फिर आके बताती हूँ क्या करना है। चलें ठीक है, इतना हमने कि इतना दूध लेना है, 1/2 कप के बराबर दूध लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1/2 कप के बराबर दूध, आप 1 कप से 1/2 कप के दरमियान ले सकते हैं, ठीक है दूध। ये 2 अंडे हो गए, ठीक है, इसमें क्या डालेंगे अब हम, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्ची, बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ, ठीक है, और ये आ गई हमारी थोड़ी सी काली मिर्ची, ठीक है, 1/2 चम्मच के करीब, ठीक है। अब क्या है, अब इसको फेंटती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। चलिए ये देखिए, ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, एक बैटर तैयार हुआ, ठीक है। हमारा ये मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है, एक मरहला यानी कि तैयार हो गया, ठीक है,
अब मैं दूसरा बनाना तैयार करने जा रही हूँ, उसके बाद बहुत स्पीडी काम करेंगे और आपको दिखाते हैं। बहुत आसानी से घर के आइटम से कहा था बना दें, तो घर के आइटम से बना रही हूँ, ठीक है। ओके चलिए आए और देखते हैं। ये देख लें, ये है 4 चम्मच, इस तरह के 4 चम्मच चावल का आटा, ठीक है। इस तरह के 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इस तरह के ही 4 चम्मच मैदा, ठीक है। बिल्कुल कुछ काम नहीं करना होता, बहुत आसानी से बन जाता है, घर में बन जाता है, बहुत जायकेदार बनता है। इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं करना। इसमें क्या करना है, नमक मिलाना है, क्योंकि हमने अंडे में नमक नहीं मिलाया, ठीक है। आप चाहें तो अंडे में मिला लीजिएगा, 1 चम्मच के बराबर नमक डाला, ठीक है। अंडे में नमक आप चाहें तो अंडे में डाल लें, नमक आप चाहें तो मैदे में डाल लें। एक चीज में नमक डालिएगा, इतना ज्यादा नमक हो जाएगा, ज्यादा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, इसलिए दोनों में से एक चीज को आप चूज कर लीजिएगा। काली मिर्ची, ठीक है, 1/2 चम्मच के बराबर, और इसी में लाल मिर्च, जो वो आपकी साधारण लाल मिर्च होती है घर में, ठीक है, वो थोड़ी सी डाल दी, बस 1/2 चम्मच के बराबर, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं डालेंगे, बन गया चीज। वैसे भी मैंने एक रेसिपी डाली हुई है, अगर आप देख सकती हैं तो उसमें भी जाके देख लें। अगर घर के आइटम्स के अलावा भी उसमें थोड़ा बाहर का आइटम भी पड़ा हुआ है तो आप चाहें तो वहाँ पे भी जाके देख सकती हैं, मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छी रेसिपी डाली हुई है, कुकिंग फूड में शॉर्टकट पे जाइए और KFC टाइप बर्गर रोज जो भी डाला हुआ है वो देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। उसी टाइप की बना लीजिएगा, जायकेदार हो जाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा खाने में, ऐसा आएगा कि लोग करके खाते रहेंगे। दूसरा मरहला यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं तलाई की तरफ, चले लेमन, चले अब चिकन मैरिनेट हो गई है, देखें इस तरह से मैरिनेशन आई है इसकी, ठीक है, ये देखें, ठीक है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमने सबसे पहले इसमें डालना है, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें छोड़ देना है। इसमें छोड़ने के बाद क्या करना है, यूं 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 यूं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर इसमें फेंकना है इसको, फिर यूं करना है, ठीक है, फिर यूं करना है, यूं 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 यूं, जब तक वो वहां मशीन तैयार हो रही है, अपने आपको कर रही है, काम कर रही है, तो ये फिर उसके बाद ये बन गया, ठीक है। बाकी का वेस्टेज झाड़ दें, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। 10 मिनट में ये काम करना होता है, ये उठाना होता है, यहाँ ले जाना होता है, चाहे आप इसमें डाल के उसमें डालें, चाहे इसमें डाल के उसमें डालें, कुछ फर्क नहीं अलबत्ता, ठीक है। ये यूँ फेंका, यूँ 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 यूँ, अच्छी तरह इसको पकड़ पकड़ के दबा दबा के अच्छी तरह इसको लें, फिर इसको उठाएं, यूँ यूँ करें, इसमें फेंक दें, इसमें फेंकें, फिर इसको यूं करें अच्छी तरह, ठीक है, फिर इसमें फेंक दें, ठीक है। ये हाथ तो दोनों इन्वॉल्व होंगे आपके, और फिर यूं 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 अच्छी तरह देख लें। कोई वो नहीं होता कि विंग्स आने चाहिए जी, वो आने चाहिए जी, इसकी वो बननी चाहिए जी, सिलवटें करवटें बननी चाहिए, कोई बात नहीं, सो नहीं रही है मुर्गियाँ, ठीक है। मैं आपको बहुत प्यार से समझा रही हूँ, कोई सब ये सब डराने वाली बातें होती, कुछ नहीं होता, रफली तौर पर बनाना होता है, आराम से बन जाता है, खुशी खुशी घर में आराम से एंजॉय करके बनाए करें, सब कुछ बन जाता है, ठीक है। ये देखें, ये 2 चीज़ें तैयार हुई, इसी तरह तीसरी को उठाएंगे, फिर इसमें फेंका, ठीक है, फिर इसमें फेंक दिया, ठीक है। अब ये इसमें फेंक दिया, ठीक है, यूं 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 बात नहीं कीजिएगा, वरना हाथ इन्वॉल्व हो जाते हैं दूसरी चीज़ में भी, बात नहीं कीजिएगा, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। तो फिर ये यूं किया, फिर ये इसमें फेंका, कुछ नहीं, आम तरीके से लगाइएगा सुकून के साथ, ये देखें लग जाता है, हर तरीके से लग जाता है, आराम से लग जाता है। हाँ, वो जैसे KFC वाले बड़े मज़े से लगाते होंगे ना हमारे लिए, एक एक आराम से बड़े देख देख कर मुनासबत से कितना लगाए कितना नहीं, आराम से काम करते हैं, सब निकल आते हैं बाहर। आप भी इसी तरह किया कीजिए, डरिया नहीं कीजिए, बिल्कुल नहीं डरा कीजिए। ये देखें दूसरा भी तैयार होगा, सारे तैयार करते हैं, फिर मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बंद हुआ, देखें अब क्या करना है, अब फिर ये क्या करना है, ये इतनी देर में हमें पका देगा, तकरीबन 15 मिनट में, ये नहीं 10 मिनट, ठीक है, ठीक 10 मिनट में ये हमें पका के दे देगा, ठीक है, ठीक 10 मिनट। अब हमने क्या करना है, ये इसकी छन्नी उठानी है, देखिए यहाँ ये जितनी चीजें आ जाए उतनी रख दीजिएगा, जबरदस्ती नहीं कीजिएगा, ताकि खिले खिले आइटम्स पक्के आपके, ठीक है। ये नहीं, ये रखती हूँ, खिले खिले आइटम्स पक्के, ठीक है, ये ले, ठीक है। आप चाहें तो भर भी सकती हैं, मैं भरती नहीं हूँ बिला वजह का, क्योंकि मैं जिस अंदाज में पकाती हूँ मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ, मैं ही चाहती हूँ खिले खिले पकें, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ ले जाना है इसको, इत्मीनान और सुकून के साथ बिस्मिल्लाह मान रही पड़िएगा, ठीक है, इसको यूँ कीजिएगा, यूँ कीजिएगा और उतार दीजिएगा,
ठीक है, ये यहाँ एडजस्ट हो गया, ठीक है एडजस्ट हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, देखें ये समा क्रिएट हो गया समा क्रिएट। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब इसको बंद कर देना, ठीक है। आप यहाँ से वैसे देख भी सकती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। अब उसके बाद मैं मिलती हूँ, ठीक है। आवाज सुन लीजिए, ये आवाज आ रही है अंदर से, देखिए ये समा आ रहा है, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये डिग्री आ रही है, धुआं भी निकलने लगा है, ये देखें यहाँ से, ठीक है। ये इसका फिल्टर होता है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, ठीक है। समझाना आपने कहा था समझा के मैम बताइएगा, बहुत अच्छा लगता है आपका समझाना, बहुत प्यार से बता रही हूँ ताकि घर में आराम से मोहब्बत के साथ आप भी पकाएं खाएं इंशाल्लाह ताला। ये देखिए ये टाइमर चलने लगा, अब टाइमर बंद होगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अजय देखिए ये 180 पे सेट है, ठीक है। 180 पे ही ज्यादातर मैं रखती हूँ, इसलिए कि ये अच्छा बेक हो जाता है, बहुत मजे का होता है और जलता भी नहीं है, ठीक है। ये अगर खुदा खासा कोई कंडीशन होती है तो यहाँ पे निगाह जरूर रखिएगा आते जाते, और बाकी कामों में लग जाइए, अपनी दूसरी चीज पकाइए, जैसे कढ़ाई वगैरह चढ़ी हुई है मेरी, मैं उधर कढ़ाई वगैरह चढ़ा रही हूँ, अब ये मैंने यहाँ छोड़ दिया, हाथ ईजी हो गए मेरे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस पर निगाह भी रखूंगी, काम भी होता रहेगा, ठीक है ना। अब आपसे मिलती हूँ इसको पूरा कुक हो जाने के बाद, ठीक है। फ्राई हो जाएंगे, टाइमर ऑफ हो गया है, ठीक है, ये टाइमर ऑफ हो गया है और ये इसका लाइट भी ऑफ हो गया है, ठीक है। अभी मैं खोलती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, आप आवाज़ देखें अंदर से, लोग देख लें कि पूरा तैयार है, ठीक है। पहले वहाँ से बटन ऑफ कीजिएगा, ठीक है, पहले वहाँ से बटन ऑफ किया, उसके बाद हमने क्या करना है, ये पलक निकाल देना है, ठीक है। पलक भी निकाल दीजिएगा, मैं आपको सही सही बता रही हूँ, आपने कहा था बिल्कुल सही सही बताइएगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमारा बंद हो गया था, तो उसके बाद हमने क्या काम करना है, पलक निकालना है, ये काम करना है। अब क्या करना है, हल्का सा हाथ इस पर रखना है क्योंकि ये गर्म होगा, मैं फिर बता रही हूँ आपको, फिर उसके बाद ये नीचे ले जाना है, नीचे ले जाना है। उसके बाद ये क्या करना है, ये हल्का सा दबाना है, ये खुल गया, ये नीचे ले जाना है, ये यूं, ये और भाप आड़ेगी, भाप उड़ेगी, ये पीछे कर देना है, अपने हाथ को बचाना है, ठीक है। ये जो ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये पानी, सॉरी तेल इसका नीचे गिरता है एक्स्ट्रा, तो बाकी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, थोड़ी देर एक्स्ट्रा तेल को निकलने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको उठाना है, यूं करना है, यूं यूं करना है हल्का सा, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, यूं 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 करना है, उसके बाद क्या करना है, ये यूं गिरा देना है, ठीक है। बाकी की मैं बाद में तलूंगी, आप ये लुक देख लें इन सबका, ये लुक देखें आप, ये देखें, ये बहुत गर्म हो रही है, मैं आपको भी दिखाती हूँ, बहुत गर्म हो रही थी, फॉक लेने जाना पड़ा, ये देखें, 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 आराम से माशाल्लाह, बहुत मजे की है। इसके साथ यहाँ इमली की चटनी रखेंगे, अभी मैं फ्रेंच फ्राइज वगैरह भी बनाने जा रही हूँ, तो वो वीडियो भी अगर हो सका तो मैं अपलोड कर दूंगी आपको आपकी खुशी के लिए, ठीक है। लेकिन लुक जो है ये है मेरा, तो ये सामने रख देती हूँ ताकि आपको सामने सब कुछ नजर आए, ठीक है। ये लुक आया है, टेबल की तरफ गर्मा गर्म ले जा रही हूँ उसको, तो ठीक है आप भी आइए इंजॉय करते हैं KFC का किचन। इस वक्त तो हमारा किचन ही KFC का किचन बना हुआ है, माशाल्लाह खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, ठीक है। तो मैं आज जब ये चीज बनाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ KFC का किचन, ठीक है। ये देखें, ठीक है, तो चिकन को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगे, मेरा मजाक भी पसंद आया तो, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और सब्सक्राइब है पहले से तो बहुत 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 शुक्रिया यार, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, रिक्वेस्ट पूरी हुई बनाने की सिखाने की, तो आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अब हम इसकी तरफ ले जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम।